हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमेडी थीम्स। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेकअप, और मेकअप में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं टोनर का। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी फेस टोनर। तो भाई, अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, और फेस्टिव सीजन में मेकअप ना करें ऐसा कैसे हो सकता है भाई। सारे फेस्टिव में अच्छा लगना है तो उसके लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आज वही हम मेकअप को सीखेंगे। तो हमने टोनर लगा लिया है। टोनर के बाद हम यूज़ करेंगे फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, और इसके कुछ ड्रॉप्स अपने फेस पे डालने के बाद इसे अच्छे से अब हैंड से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेंगे। अब स्किन तो भाई मॉइस्चराइज हो चुकी है, अब स्किन के साथ लिप्स को भी तो मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि लिप्स भी उतने ही ज़रूरी है। तो लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी लिप बार। इससे मैं अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। तो भाई, नेक्स्ट अब हम लगाएंगे एनवाईवी का स्किन यूटिलाइजर, जो स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, साथ ही हमारे फेस पे फेस प्राइमर का भी काम करता है। तो एक साथ दो काम हो तो क्यों ना किए जाएं। तो जल्दी से कमली रीव्स को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो गाइज, इसे लगाने के बाद अब हम लगाएंगे नेक्स्ट मेबेलिन का कलर करेक्टर। मेबेलिन के कलर करेक्टर का हम यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज कलर, और इसे हम यूज़ करेंगे अपनी आइज़ के नीचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, या जहाँ भी आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है आप वहाँ पे ऑरेंज कलर के कलर करेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में कम से कम ब्रशेस का यूज़ करूं और आपको हाथ से ही सारा मेकअप करके दिखाऊं। तो मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने आईज़ पे इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, और इसे सेट करने के बाद हम यूज़ करेंगे एनवाईबी का कंसीलर अपनी आईज़ के ऊपर। अब जल्दी से अपनी एनवाईबी के कलर कंसीलर से अपनी आईज़ को कंसील कर लेंगे, और कंसील करके वही स्टेप यानी कि अपने फिंगर टिप से इसको अच्छे से अपनी आईज़ पे सेट कर लेंगे, ताकि आई शेडो का कलर बहुत अच्छे से निखर कर हमारी आईज़ पर आए। जो कंसीलर हमने अपने आईलेट पे लगाया है उसे हम अच्छे से अपनी फिंगर टिप से सेट कर लेंगे, ताकि आई शेडो अच्छे से हमारे आईज़ पर लग पाए, क्रीज ना नज़र आए। तो अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा ब्रोज। ब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की ब्रो डिफाइंड पेंसिल, और इससे मैं सबसे पहले ब्रश की हेल्प से अपनी ब्रोज को ब्रश कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी। तो अब मैं इसको फिल करूँगी ब्राउन कलर से, मतलब ब्लैक कलर नहीं लेना है आपको, ब्राउन कलर से ही फिल करना है अपनी ब्रोज को। आपको एक टिप देती हूँ, जब आपका मेकअप करने का मन ना हो ना कभी, तो आप सब अपनी ब्रोज को सेट कर लें और डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लें। आप देखिए, आपके फेस को एक अलग ही लुक मिल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि भाई, आपने तो कहा था कि आप ब्रशेस का यूज़ नहीं करेंगे, पर आप तो मेकअप ब्रशेस का यूज़ कर रही हैं। तो भाई, आई मेकअप के लिए आपको ब्रशेस का यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना ब्रशेस के आप आई मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो आई मेकअप के लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडिंग ब्रश, और साथ में चाहिए एक किट। मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, इसका यूज़ कर रही हूँ मैं लाइट ब्राउन कलर, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन पे, और जब तक मैं अप्लाई करती रहूँगी जब तक मुझे मेरा मनचाहा कलर नहीं मिल जाता। दोनों आईज़ पे हम इसको क्रीज एरिया पे हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए फ्लैट ब्रश, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ डेल एनसे की रेनबो आई शेडो पैलेट। बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है, इसका रिव्यू मैं कफ एंड लैशेस हॉल वीडियो में भी कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका ग्रीन कलर अपनी आईलिड पे। तो मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड को टैप करके इसमें आईलिड में कलर को फिल करेंगे। ये आई शेडो पैलेट अब तक की मेरी बेस्ट आई शेडो पैलेट है, जितने भी मेरे पास आई शेडो पैलेट है ये मुझे सबसे अच्छी लगी अब तक की। और गाइस, ये आप देखिए इसमें कितने ज़्यादा पिगमेंटेड कलर्स हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सारे कलर इस आई शेडो पैलेट में आपको मिलते हैं, जितने भी कलर्स आपको चाहिए। तो मेरे को तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि एक ही आई शेडो पैलेट आप लोग के पास ज़रूर होना चाहिए।
सो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का फाउंडेशन शेड 02। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये स्किन पे ऐसा ऑब्जॉर्व हो जाता है कि जैसे आपकी स्किन पे कुछ लगा ही नहीं है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो इसे भी मैं अपने हाथों से अपने फेस पे डाब 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 करके अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। कोई ब्रश का या फिर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्रश का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हाथों से अपने पूरे फेस को अच्छे से डैप करके सेट कर दिया है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है। अब हम और अच्छे से सेट करने के लिए यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर का, ताकि कोई भी क्रीज लाइन्स हमारे फेस पे ना बने। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर। फ्रेंड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो लूज़ पाउडर से हम अच्छे से अपने फेस को सेट कर लेंगे। सो अब हम अपने फेस को कट देंगे। कट देने के लिए हमें करनी है कॉन्टूरिंग। फेस कॉन्टूरिंग के लिए हम अप्लाई करेंगे ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर अगर आपके पास एज अ कंसीलर, अगर कंसीलर में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट का कोई भी ब्राउन कलर लेके कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी स्किन से वो वन शेड डार्कर हो। और डार्क कलर के आपको शेड को लेना है ब्राउन कलर को, और उसे अपनी ईयर के हाफ ईयर से आधे कान पे से आपको लगाना है और लिप्स एरिया की लाइन तक लेके आना है और धीरे धीरे ब्लेंड करना है। तो जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छे से वो आपके स्किन में मिल जाएगा, यानी कि आपके स्किन से अलग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से रखा हुआ है, प्रॉपर आपकी स्किन में मिक्स हो जाएगा। तो कॉन्टूर तभी अच्छा लगता है जब आपने उसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया हुआ हो, अदरवाइज बहुत अजीब सा लगता है आपके फेस पे। तो फेस पे कॉन्टूर करने का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लेंड, ब्लेंड एंड ब्लेंड। तो ये देखिए मेरा फेस कॉन्टूर हो चुका है। उसके बाद मैं अब करूँगी नोज़ को। तो नोज़ को भी मैं कॉन्टूर करने के लिए सेम वही ब्राउन कलर का शेड अप्लाई करूँगी दोनों साइड पे। और दोनों साइड पे थोड़ा सा लगाने के बाद हम अपने फिंगर टिप से ही अच्छे से इसको ब्लेंड करके सेट कर देंगे नोज़ पे। तो भाई फेस कॉन्टूर तो हो गया है, लेकिन अगर ब्लश ना हो तो मेकअप का मज़ा क्या है। तो हम ब्लश के लिए भी यूज़ करने वाले हैं वही सेम आई शेडो पैलेट, उसका मैं पिंक कलर पिक कर रही हूँ और अपने चिक्स को एज अ ब्लशर उस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ब्लशर की जगह पे मैंने पिंक कलर यूज़ किया और उसको धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से ब्लेंड करके अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि वो ऐसा अलग सा ना लगे और नेचुरल लगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं रेड कलर उसी सेम आई शेडो पैलेट का, और अपने आउटर वी को हम रेड कलर से फिल करेंगे। आउटर वी पे ही लगाना है, पूरी आईलेट पे नहीं लगाना हमको, सिर्फ साइड कॉर्नर में लगाना है रेड कलर को। और दोनों आई शेडो आईज़ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। सी, अगर हम ब्लेंड नहीं करते तो कैसे अलग सा लग रहा है। तो इसलिए हम अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देंगे, ताकि दोनों कलर आपस में मिक्स हो जाएं और कोई शार्प एजेस ना नजर आए आपके आई मेकअप में। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा दोनों कलर सेम एक साथ मिक्स मिक्स हैं, वो अलग अलग से अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मिक्स हो जाते हैं तो आपका आई लुक बहुत अच्छे से निकल के आता है। अब आईज़ के नीचे यानी कि वाटर लाइन में और लोअर लैश लाइन में हम ब्लू कलर फिल करेंगे। भाई
भाई आई शेडो तो लग गया। अब आई शेडो के बाद अगर लाइनर ना लगा हो तो लगता ही नहीं कि हमने मेकअप किया है। तो हम लाइनर के लिए यूज़ कर रहे हैं फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज आई लाइनर। इसकी हम एक पतला सा स्ट्रोक पूरी आईज पे लगाएंगे और ज़्यादा विंग आईलाइनर मैं नहीं लगा रही हूँ, सिंपल सा जस्ट आई के एंड तक मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो भाई लाइनर तो लग चुका है, अब हमारी बारी है आई लैशेज़ की, फॉल्स आई लैशेज़ की। इसे हम लगा लेंगे अपनी आईज़ के ऊपर। सो आई लैशेज़ इज़ डन। अब बारी है हमारे मस्कारा की, मस्कारे को हम अच्छे से लगा लेंगे। अच्छा मस्कारा क्यों लगाया जा रहा है आफ्टर फॉल्स लैसेस? क्योंकि जो हमारी रियल लैसेस हैं वो अच्छे से दोनों एक साथ मिक्स हो जाएँ और अलग से ना लगें। तो मस्कारा ये है हमारा स्विस ब्यूटी का मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। और इसके बाद अब लास्ट हमारा बचाते हैं लिप्स। तो लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर, मैं लिपस्टिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। और ये हैं स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स, इनका भी रिव्यू मैं कफ एंड लैसेस हॉल वीडियो में कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छे लिप लाइनर्स हैं, मीन्स आप देखिए कि इन्हें लगाने के बाद लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो इन्हें इसे ही अप्लाई किया है और मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगे। अगर आपको देखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो कंप्लीट मेकअप हो चुका है, अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।